हेलो दोस्तों, आज बात करेंगे नागपुर की, महाराष्ट्र की शीतकालीन राजधानी और महाराष्ट्र का तीसरा सबसे बड़ा शहर। जनसंख्या के लिहाज से ये भारत का 13वां सबसे बड़ा शहर है। ऑक्सफोर्ड की इकोनॉमिक रिपोर्ट के अनुसार नागपुर विश्व का 5वां फास्टेस्ट ग्रोविंग सिटी है। ये शहर महाराष्ट्र की स्मार्ट सिटीज में शुमार है। भारत की सबसे बेस्ट स्मार्ट सिटीज के लिस्ट में टॉप 10 के अंदर भी आता है। ये शहर विदर्भ क्षेत्र में नाग रिवर के किनारे 1702 में बख्त बुलंद शाह द्वारा बनाया गया था। नागपुर शहर समुद्र तल से 310 मीटर की ऊंचाई पर 227 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। 24 लाख की जनसंख्या के साथ नागपुर सबसे अधिक जनसंख्या वाले शहरों में 13वें नंबर पर आता है। नागपुर एक डेंसली पॉपुलेटेड शहर है, जहां एक वर्ग किलोमीटर में करीब 11,000 लोग रहते हैं। नागपुर की 90% जनसंख्या पढ़ी लिखी है। वही महिला पुरुष अनुपात की बात करें तो यहां 1000 पुरुषों पर 951 महिलाएं पाई जाती हैं। नागपुर को ऑरेंज सिटी भी कहा जाता है। नागपुर महाराष्ट्र का सबसे ग्रीन, सबसे सेफ और टेक्नोलॉजी के मामले में सबसे ज्यादा डेवलप्ड शहर है। महाराष्ट्र में दौड़ती MH 31, 40 और 49 नंबर प्लेट वाली गाड़ियां नागपुर के डेवलपमेंट और समृद्ध जीवन को दर्शाती हैं। आइए अब बात करते हैं नागपुर में घूमने की जगहों के बारे में। पहले पर आता है डगमा वाटरफॉल। नागपुर में कई सारे झरने मौजूद हैं, लेकिन इसे हमने अपनी लिस्ट में एक नंबर पर रखा है। इसका कारण ये है कि यहाँ चाहे तो आप झरने के नीचे खड़ा होकर नहा सकते हैं, और ज्यादातर टूरिस्ट भी ऐसा ही करते हैं। डगमा वाटरफॉल वनदोबरी गांव के पास पड़ता है, जो नागपुर सिटी से 35 किलोमीटर की दूरी पर है। डगमा वाटरफॉल की एक और खास बात है कि यहाँ झरने के नीचे एक शिव जी की प्रतिमा मौजूद है, और उस प्रतिमा पर ही झरने का पानी गिरता है, जो इसे और भी सुंदर बना देता है। यहाँ घूमने का बेस्ट टाइम जुलाई से अक्टूबर तक का होता है। अगला है रामटेक। रामटेक ऊंची पहाड़ियों पर मौजूद एक रामायणकालीन जगह है। इस पवित्र हिंदू तीर्थ स्थल के बारे में कहा जाता है कि वनवास काल के समय श्री राम, लक्ष्मण और सीता इस समय पर रुके थे। यहाँ पर भगवान श्री राम का मंदिर भी मौजूद है, जिसकी नक्काशी काफी लोगों को हैरान करती है। इस मंदिर में साल भर श्रद्धालुओं का आवागमन लगा रहता है। तीसरे नंबर पर आता है ड्रैगन पैलेस। ड्रैगन पैलेस एक बौद्ध मंदिर है, जिसे जापानी ट्रस्ट के द्वारा बनाया गया है। इसे नागपुर का लोटस टेंपल भी कहा जाता है। यह सभी धर्मों के लोगों को शांति का संदेश देता है। इसे 10 एकड़ में बनाया गया है। इसकी आर्किटेक्चर इतनी सुंदर तरीके से की गई है कि शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। यकीन मानिए दोस्तों, नागपुर सिटी का ये ड्रैगन पैलेस आधुनिक समय का अद्भुत बेजोड़ नमूना है। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए। अगर अपने शहर के बारे में वीडियो चाहते हैं, एक्सप्लोर वायरस को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में अपने शहर का नाम लिखकर जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड विद।